हे गाइस, स्वागत है आपका टेक ऑटो के एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। मेरा नाम है आशु और आज हमारे पास गाड़ी है रिव्यू करने के लिए है, वो है टाटा की मोस्ट पॉपुलर गाड़ी टाटा नेक्सॉन। आज हम इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो सेल्स पर्सन है राहुल भैया, हमने उनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको हैवी डिस्काउंट अगर पाना है तो आप जरूर उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो अभी कर दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप वहां पर हमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो हम वहां पर आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को, और सबसे पहले मैं आपको इसका इनिशियल पिकअप बता देता हूँ, है ना, चला के। सबसे पहले उससे पहले भी आप गियर शिफ्टिंग देख लीजिए। तो गियर शिफ्ट करते हैं, चलिए। इसका तो बहुत ही ज्यादा इजी है इसका गियर शिफ्ट करना, तो इसमें हार्ड मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा गियर शिफ्ट करना, है ना। तो सबसे पहले इनिशियल पिकअप देख लेते हैं। तो ये 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, काफी ज्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, एंड इसका जो टॉर्क भी है वो काफी ज्यादा अच्छा है। आपकी स्क्रीन पर सारी की सारी स्पेसिफिकेशन आ रही होंगी, तो जैसे देख लीजिए आप। मैं अभी क्लच छोड़ रहा हूँ एंड आप इसका रिस्पॉन्स देखिए जरा, ये देखिए बहुत सही रिस्पॉन्स है गाड़ी का, एंड आप इसमें कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं कर रहे हैं। ये देख लीजिए, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर, ना आपको यहाँ पर गियर लीवर पे कोई वाइब्रेशन मिल रहा है, ना ही कोई आपको स्टीयरिंग पे कोई वाइब्रेशन मिल रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे पुश करता हूँ फर्स्ट गियर में, काफी सही इसका एक्सेलरेशन है एंड बहुत ज्यादा ये पावरफुल लगता है फर्स्ट गियर में। एंड सीटिंग कंफर्ट की बात करूं तो बहुत सही सीटिंग कंफर्ट है गाड़ी का। इसके अंदर जो सपोर्ट्स है काफी ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं आपको, एंड ये जो हेडरेस्ट है यहाँ पे, जो आपको फ्रंट ये जो आर्मरेस्ट सॉरी मिल रहा है, इसकी पोजीशनिंग भी इतनी ज्यादा सही है यहाँ पे कि बिल्कुल कंफर्ट फील होता है आपको ड्राइव करने के अंदर। डी शेप में इसका हैंडल आता है, तो काफी ज्यादा ये प्रीमियम फील आपको कराती है ये गाड़ी। अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा व्यूइंग एंगल जो है इसके काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, एंड आपको कोई भी विजिबिलिटी की दिक्कत नहीं होने वाली है इस गाड़ी के अंदर। चलो टर्निंग रेडियस देख लेते हैं आप, बहुत सही टर्निंग रेडियस है गाड़ी की इसके अंदर। बस मेरे को जो इसके अंदर थोड़ी सी कमी लग रही है वो क्लच की लग रही है, क्योंकि इसका जो क्लच है वो काफी लंबा है, तो आपको पैर जो है काफी नीचे तक ले जाना पड़ता है। एंड डेड पेडल भी है, बट इसमें जो डेड पेडल है एक्चुअली क्या है कि ये रफली यूज हो चुकी गाड़ी है, तो आपको क्लिच इस वजह से ऐसा लग रहा होगा, बाकी अच्छा नहीं है, क्लिच बहुत सॉफ्ट है। नहीं, सॉफ्ट की बात नहीं कर रहा मैं, क्लच काफी लंबा है। अच्छा, क्लच काफी लंबा है, गया। हाँ काफी लंबा है मुझे लगा इसके क्लच। तो बाकी तो अभी ये जो है कौन से मोड में चल रही भैया? ये अभी सिटी मोड है, चेंज के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी सिटी मोड में है? हाँ, ये अभी सिटी मोड में चल रही है, एंड जो पावर है आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है। जैसे आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, काफी ज्यादा अच्छा पुश मिलता है आपको। एंड ये सस्पेंशन देख लीजिए आप इस गाड़ी के, काफी सही सस्पेंशन है, सस्पेंशन काफी सही मिल रहे हैं गाड़ी के अंदर आपको। एंड कैबिन नॉइस का इन्होंने कैंसिलेशन किया है, कैबिन नॉइस बाहर का कुछ भी अंदर पता नहीं चल रहा है लिटरली, काफी सही है। और चलो आप इसे थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड में भी यूज करते हैं, तो स्पोर्ट्स मोड में मैं इसे एक बार चेंज करता हूँ। फिर फील कीजिए कैसे चल रही है। अच्छा, अभी ब्रेकर आ गया जरा, एक बार गाड़ी को घुमा लेते हैं। ऐसा रुक ही नहीं रहा, ये स्पोर्ट्स मोड में आने के बाद गाड़ी जो है वो काफी ज्यादा पुश ले रही है एकदम से, पावर गाड़ी की अमेजिंग है ये तो कहना पड़ेगा। एंड हैंडलिंग की बात करूं, क्या हैंडलिंग है, हाई स्पीड में हैंडलिंग देखिए आप इस गाड़ी की, 5 स्टार रेटिंग कार है ये, एंड अपने सेगमेंट में
ये फर्स्ट कार है जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है ग्लोबल एनकैप में, एंड आपको जी बिल्ड क्वालिटी नेक्सॉन ने अपने आपको कई बार प्रूव भी किया है, एंड आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से, इसके कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें जो पैसेंजर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तो बिल्ड क्वालिटी में टाटा ने बेस्ट काम किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी ग्लोबल एनकैप में रेटिंग मिली है वो। हाँ, 5 स्टार रेटिंग है इसकी ग्लोबल एनकैप में। विजिबिलिटी काफी ज्यादा सही है, आपको हर जगह का व्यू एंगल है बिल्कुल बहुत अच्छा मिलता है, एंड सस्पेंशन भी इसके काफी ज्यादा सही वर्क कर रहे हैं। ओवरटेकिंग में आपको इस गाड़ी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही प्यार से आप इस गाड़ी में ओवरटेकिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसके कंपटीशन की बात करूं तो इसके साथ जो कंपटीशन में आते हैं बहुत सारी गाड़ियां, अब तो मैग्नाइट भी आ गई है, सोनेट है, एंड XUV300, बहुत सारी गाड़ियां इसके अंदर जो इसके साथ कंपटीशन में आती हैं, बट ये अभी भी इसकी जो सेल है वो कम नहीं हुई है, इवन बढ़ रही है। तो ये था मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ। अब जो है आयुष ड्राइव करेगा गाड़ी को एंड आपको बताएगा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कर सकते हैं आप अगर फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं तो। अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हो तो इसके अंदर आपको मोड्स दे रखे हैं, आप कोई सा भी मोड यूज कर सकते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। इको में आपको जो है बेस्ट माइलेज आपको मिल जाएगा। कैबिन नॉइस की बात करूं तो आप सुन सकते हैं, मैं इस वक्त केवल एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूं तो इतना कोई मेरे को कैबिन नॉइस आ नहीं रही है। गियर शिफ्ट जैसा अशु ने बताया वीडियो में काफी सॉफ्ट है, बहुत इजीली गियर लग गया है, तो मैं इसका क्लच छोड़ता हूं धीरे धीरे और देखते हैं इसका बेसिक पिकअप हमें कितना मिलता है। कार वॉइस कमांड के साथ आती है, पावर ब्रेक में हटाना भूल गया था। अब देख सकते हैं 7 की स्पीड में इस वक्त कार चल रही है, तो मैं एक्सीलरेट करता हूं इसे, फर्स्ट गियर पिकअप। ये अभी हमारी स्पोर्ट्स मोड में है क्या? अभी सिटी मोड, सिटी मोड में है अभी मेरे पास। डिस्प्ले पे भी आता है, सामने डिस्प्ले पे भी आता है, तो फर्स्ट गियर में इजीली कार 35-36 जा रही है, कोई इतने नॉइस नहीं आ रही। सॉरी, इसमें मेरे को भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो अशोक आ रही थी। ब्रेकिंग रिस्पांस चेक करते हैं, ब्रेकिंग रिस्पांस काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। जब दूसरी कार में ब्रेक लगाते हैं ना काफी झटका सा फील होता है, मेरे को ऐसा इसमें कोई झटका फील नहीं हुआ जब मैंने इसका अभी ब्रेक लगाया है। काफी सारे फीचर हैं जो ऐड किए हैं टाटा ने, जैसे कि ब्रेकिंग के ऊपर लेके, ब्रेकिंग के ऊपर टाटा ने वर्क करा इस कार में, उसमें क्या कि ब्रेकिंग को साफ करने वाला, इस तरह के बहुत सारे मतलब ऐड किए हुए हैं। एंड जो स्टीयरिंग रिस्पांस है, सस्पेंशन भी आपने देखा होगा, अभी मैंने काफी जान के इसको गड्ढे में डाला तो मेरे को इतना कोई सस्पेंशन का सीट पे कुछ पता नहीं चला, इवन जो स्टीयरिंग है वो भी वाइब्रेट नहीं करा। आशु, तेरे को पीछे की साइड पे सस्पेंशन में कैसा लग रहा है? थोड़ा सा मेरे को पता चला, बट इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसका सीट कंफर्ट जो है पीछे बहुत ज्यादा सही, थाई सपोर्ट तो बहुत ज्यादा मिल रहा है इसके अंदर। एंड जो फ्रंट सीट है, ड्राइवर सीट, मैं उसके लिए कहना चाहूंगा बहुत अच्छी सीट यहाँ पर आपको मिल रही है, मीन्स आप काफी ज्यादा रिलैक्स होकर अपनी ड्राइव कर सकते हैं। एंड जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग आप वो मीन्स काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। प्रीमियम है हर चीजें तो कार में, सारी चीजें प्रीमियम यूज करी गई है जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें, तो कंपनी ने काफी अच्छा वर्क करा है इस कार को अपना प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऐसे उनकी सबसे ज्यादा सेल भी इस कार की है, मींस आज अभी ये देखे तो अब हमारे पास अल्ट्रोज भी आ गई है टाटा में, जो कि सेल्स में काफी ज्यादा अच्छी जा रही है। लेकिन उसमें टाटा ना थर्ड नंबर पर है, मारुति और हुंडई के बाद में टाटा का नाम आता है थर्ड नंबर पे। हाँ, अभी ग्रोथ कर रहा है, फर्स्ट पे भी पहुंचना है, पहुंच जाएगा। सेल्स में अभी टाटा की काफी अच्छी सेल हो गई है, सर्विस थोड़ा सा मेरे को लगता है वहाँ पर, सर्विस का भी फ्यूचर में आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर्विस भी यहाँ पर बेटर कर रही है कंपनी, हर चीज को अपडेट कर रही है। काफी इजीली यार ड्राइव कर पा रहा हूँ यार, मेरे को मजा आ रहा है इस कार को चलाने में, इतना मजा मेरे को अदर कार्स में नहीं आया है। थोड़ा सा मैं और पुल करके देखना चाहता हूँ थर्ड गियर में। ओ भाई, मजा आ गया भाई स्पीड में, पिकअप में। एंड जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स काफी सही वर्क कर रहे हैं कार के, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव ब्रेक्स हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसका जो साउंड सिस्टम है, यहाँ पर हमको हार्मन साउंड सिस्टम देखने के लिए मिलता है। आपको अगर इसके साउंड सिस्टम का कोई भी वीडियो देखना है
तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर तो देखने को नहीं मिलेगा, बट उस वो वीडियो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जरूर देख सकते हैं। तो जो आज हमारे पास वेरिएंट है इसमें हमारे को सनरूफ भी मिलती है, तो मैं आशु से कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखाए कि कैसा व्यू हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इस कार में। चलो तो मैं कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की, एक बार थोड़ा आराम से ध्यान से जाएं। तो कैसा व्यू तेरे को मिल रहा है बाहर? बहुत ज्यादा सही लग रहा है, बट मेरे को थोड़ा सा खड़े होने में प्रॉब्लम है तुम्हारी सीट की वजह से। अच्छा, जो हमारी सीट एडजस्टमेंट की वजह से तेरे को इशू आ रहा है। अच्छा, बट इसके अंदर मैं बता देता हूँ जो पीछे है ना वो दो पैसेंजर के लिए काफी ज्यादा कंफर्ट है, पर तीन के लिए कंफर्ट मत मानना, दो पैसेंजर के लिए बहुत ज्यादा थाई सपोर्ट दे रखा है गाड़ी के अंदर। बेसिकली तीन में तो बच्चे ही आ जाते हैं, वो तो एडजस्ट कर लेते हैं। और यार ये मतलब प्रीमियम हैचबैक होती है ना, और या फिर जो प्रीमियम गाड़ी होती है चाहे वो एसयूवी क्यों ना हो, वो चार बंदों के लिए ही होती है प्रीमियम। तो बिल्कुल आप सही। मैं जो फाइव सीटर कार आती है उसमें हमको ज्यादातर फोर सीटिंग प्रॉपर मिल पाती है, फाइव तो किसी में भी हमको देखने को नहीं मिलती है फुल्ली प्रॉपर, फोर तक हमको अच्छी सीटिंग इसमें मिल जाती है किसी भी कंपनी की कार में अगर हम देखें। एंड काफी ज्यादा स्पेसियस कार लगी मेरे को। एंड आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर एसी है, एसी हमको यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, काफी अच्छी कूलिंग करता है यहाँ पर एसी। हमको ठंड लग गई थी, हमने बंद कर रखा है अभी, इतनी ज्यादा अच्छी कूलिंग है इसकी। तो वाकई में ठंड लग गई थी इसलिए बंद करना पड़ा। तो ये तो था इसका ड्राइविंग रिव्यू। आपने देखा कि पहले इसको आशु ने ड्राइव करा, फिर मैंने ड्राइव करा। ड्राइविंग रिस्पांस इस कार का बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आप इस कार को परचेज करना चाहते हैं तो कोई डाउट नहीं है, आप इसे लें और मीन्स आपको कोई भी लैग नहीं मिलेगा इसकी ड्राइविंग में। एंड इवन हमने जो आपकी डिटेल्स दे रखी है सेल पर्सन की, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको वो यहाँ पर सीएसडी कैंटीन का भी देखते हैं शोरूम का, तो उनकी डिटेल्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वीडियो के स्टार्ट में भी दे रखी है। उनसे कॉन्टेक्ट करें, वो आपको डिस्काउंट वगैरह सब दिलवाएंगे। दिलवाओगे ना? बिल्कुल दिलवाएंगे, कह रहे हैं वीडियो में। एंड एडिशनल बेनिफिट्स भी दिलवाएंगे जैसा वो कह रहे हैं वीडियो में। तो अगर नहीं दिलवाए तो आप हमको बता सकते हैं, हम इनसे बात कर लेंगे कि इन्होंने नहीं दिलवाया। हाँ, तो आपको ये कंप्लेंट का मौका नहीं देंगे ओवरऑल। और जो इसकी सेफ्टी रेटिंग है उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ पर फाइव स्टार रेटिंग अदर कार आती ही नहीं है। आपको कोई भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी फाइव स्टार देखने को नहीं मिलेगी, ये अकेली है। तो आप इस कार को प्रिफर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए धन्यवाद।